from Bharti College of Agriculture Engineering and teaching some subjects in BTech Agriculture, and now here is videos of different subjects for you. स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में. ये जो वीडियो है ये मुख्यतः बी पॉलिटेक्निक, बीसी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है. चूँकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सब्जेक्ट लगभग हर किसी सेमेस्टर में होता है, तो उस आरईएस का ये एक छोटा सा टॉपिक सुलभ कुकर, जिसको हम विस्तार से समझेंगे स्लाइड के माध्यम से. पहला स्लाइड, व्हाट इज सोलर कुकर. सोलर कुकर इज अ डिवाइस विच यूजेज द एनर्जी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट टू हीट, कुक और पॉस्चराइज ड्रिंक एंड अदर फूड मटेरियल्स. अब सोलर कुकर होता क्या एक्चुअल में? सोलर कुकर मेनली किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए या पकाने के लिए या पॉस्चराइज करने के लिए, जैसे कि दूध. मुख्यतः ये तीन चीज़ों के लिए सोलर कुकर उपयोग में लाया जाता है. सोलर कुकर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोलर कुकर, मुख्यतः मेनली तीन प्रकार के होते हैं. पहला है बॉक्स टाइप सोलर कुकर, दूसरा है रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर और तीसरा है कॉन्सनट्रेटिंग टाइप सोलर कुकर. चूँकि बॉक्स टाइप सोलर कुकर जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला सोलर कुकर है, इसलिए उसकी विस्तार से हम जानकारी लेंगे स्लाइड के माध्यम से. तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर का सर्वप्रथम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, किस प्रकार से बॉक्स टाइप सोलर कुकर का निर्माण किया जाता है. दिस सोलर बॉक्स कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास और वुड. सोलर बॉक्स जो बॉक्स टाइप का होता है, उसे किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या फिर लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है. The walls of the box are made thick so as to minimize loss heat due to radiation. Box के अंदर की हीट को बाहर न जाने देने के लिए जो box है उनके walls को अधिक मोटा बनाया जाता है, thick बनाया जाता है. The box is painted all its side from black color. जैसा कि हमको पता है, काले कलर जो ब्लैक कलर होता है वो सूर्य की रोशनी को, sunlight को, sun rays को easily absorb करते हैं. इसलिए solar box के चारों तरफ, बॉक्स टाइप सोलर कुकर के चारों तरफ, चारों साइड्स में काले कलर का, ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है. और बता दूं, बॉक्स टाइप सोलर कुकर या तो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का होता है. अब सोलर कुकर का वर्किंग देखते हैं, किस प्रकार से बॉक्स टाइप सोलर कुकर कार्य करता है. इसमें इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि सन की रोशनी, जो सन रेज है, जो सूर्य से निकला हुआ रेज है, डायरेक्ट रेज बोलते हैं, डायरेक्ट या बीम रेडिएशन कहा जाता है. दो प्रकार के रेडिएशन है, जैसे आप लोगों को पहले पता होगा या मैंने क्लास में पढ़ाया भी होगा. दो प्रकार के रेडिएशन होते हैं, एक डायरेक्ट या बीम रेडिएशन और दूसरा होता है डिफ्यूज रेडिएशन. तो इसमें डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन उपयोग में लाते हैं. तो जो रेडिएशंस हैं, जो सन से निकला हुआ रेडिएशन है, रेज है, वो रिफ्लेक्टर में स्ट्राइक करता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं. और वही रिफ्लेक्टर उस रेज को ग्लास शीट कवर की ओर ट्रांसफ़र करता है और वह ग्लास शीट कवर उस रिफ्लेक्टेड रेज को बॉक्स के अंदर रखे हुए पॉट्स जो कि काले कलर से पेंटेड होते हैं उन पर ट्रांसमिट करता है. एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सूर्य से निकला हुआ जो किरण है, सन से जो निकला हुआ रेज है, वो रिफ्लेक्टर पे स्ट्राइक करता है, रिफ्लेक्टर उस रेज को रिफ्लेक्ट करके ट्रांसफ़र करता है ग्लास शीट कवर की ओर, और ग्लास शीट कवर ट्रांसमिट करता है उस रेज को पॉट्स जो बॉक्स के अंदर रखे हुए थे, और वो सभी पॉट्स काले कलर के पेंटेड रहते हैं. ये जो रिफ्लेक्टर है, ग्लास शीट कवर है, ये दोनों ईजिली एडजस्टेबल रहते हैं. उन दोनों को जिधर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ रही है उस तरफ एडजस्ट किया जा सकता है, और नीचे इंसुलेशन रहता है ताकि हीट जो इंटरसेप्टेड है, जो आया हुआ हीट है, वो बाहर ना जा सके, जिससे हमारा खाना जल्दी पके और जल्दी ठंडा ना हो.
तो ये था इसका बॉक्स टाइप सोलर कलेक्टर का, सोलर कुकर का कार्य वर्किंग। खाना पकाने के लिए मुख्यतः 95 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर होना ज़रूरी है सोलर कुकर के लिए। अब देखते हैं सोलर कुकर के लाभ और हानि, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट वील सी अबाउट द एडवांटेजेस, एक के बाद एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। पहला है, सोलर कुकर्स आर बेस्ट नोन फॉर इको फ्रेंडलीनेस एंड नेवर कॉजेस एनी पॉल्यूशन टू एनवायरमेंट। बहुत इजी ये सेंटेंस है, ये लाइन है। सोलर कुकर इको फ्रेंडलीनेस के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता। जैसा कि जानते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ईंधन होता है, सूर्य की रोशनी। तो ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे पर्यावरण को या इन्वायरमेंट को नहीं पहुंचाते हैं। ये पहला इसका लाभ है, एडवांटेज है। दूसरा है, इट रिड्यूस द कार्बन एमिशन। किसी भी प्रकार का फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम या कोई फोसाइल फ्यूल यूज़ नहीं करते, इसलिए किसी प्रकार का इसमें कार्बन एमिशन की भी संभावनाएँ नहीं होती। दूसरा होता है, इट सेव्स द फ्यूल कंजप्शन। ये ईंधन को बचाने का कार्य करती हैं। पहले भी बताया मैं, कोल, पेट्रोलियम, किसी प्रकार का कोई ईंधन का उपयोग इसमें नहीं होता, इसलिए ये ईंधन को पूरी तरीके से बचाते हैं। केवल और केवल इसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः ईंधन होते हैं सोलर कुकर के, वो है सूर्य की रोशनी, सन के रेज या सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और चौथा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है, इट यूटिलाइजेज द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज़ अवेलेबल अगेन एंड अगेन। चूँकि हमको पता है सूर्य की रोशनी, सन, जो सोलर एनर्जी है, सौर की जो ऊर्जा है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, इसलिए इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में पढ़ा जाता है। अब इसके इस प्रकार से लाभ के बाद हानि भी कुछ ना कुछ होंगे, उसे हम पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। पहला है, कुकिंग विथ सोलर कुकर्स रिक्वायर सनलाइट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू यूज़ ड्यूरिंग विंटर एंड ऑन रेनी सीजन। इस सोलर कुकर को ठंड के समय या बरसात के समय, बारिश के समय उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूर्य की रोशनी कम होती है और खाना पकाने के लिए ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे विंटर और रेनी सीजन में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। दूसरा पॉइंट है, कुकिंग ऑल्सो टेक्स लॉन्गर टाइम कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स। सोलर कुकर में पकाया हुआ खाना कन्वेंशनल जो मेथड होता है, जैसे कि हम अपने घर में गैस LPG सिलेंडर से जो पकाते हैं, उससे ज़्यादा समय लेता है। सिंपल सी बात है, सूर्य की रोशनी के लिए हीट निकला हुआ काफ़ी समय लेता है पकने में खाने को, इसलिए कन्वेंशनल मेथड से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से 3, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं कुक करने के लिए। और थर्ड पॉइंट है, सोलर कुकर्स कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट। रात के समय सोलर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। अंत में इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग और किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि इसे खाने और किसी भी चीज़ को बॉयल करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। खाने पकाने के, इन द सेंस, किसी भी चीज़ को अपने को कुक करना है या बॉयल करना है, पानी है, दूध है, एग है, पोटैटो है, इस प्रकार के जो आइटम्स है उसे हम कुक कर सकते हैं, राइस बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। और मिल्क को, जैसा कि बताया कि दूध को गर्म करने के लिए, भविष्य में स्टोर करके रखने के लिए उसको पॉस्चराइज किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी एक बहुत बड़ा है कि इससे हम कोई भी आइटम फ्राई नहीं कर सकते, चपाती नहीं बना सकते। ये इसका लिमिटेशंस है जो कि आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये सोलर कुकर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो, और कोई भी चीज़ अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर वालों के विशेष आग्रह पे मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है, तो